हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लिटरेचर की दुनिया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओड टू इवनिंग। ये एक पोयम है जिसको विलियम कॉलिंस ने लिखा है। ये विलियम कॉलिंस की फाइनेस्ट पोयम्स में से एक है और ये उनके कलेक्शन ऑफ पोयम्स ओड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलेगोरिकल सब्जेक्ट्स का एक पार्ट है। इसको कंपोज किया गया है इन अ सिंगल स्टैंजा ऑफ 52 लाइंस और इसमें अनराइमिंग पैटर्न है, यानी कि कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है इस पोयम में। कॉलिंस ने इस पोयम को इवनिंग यानी कि शाम को एड्रेस किया है, जिसको इस पोयम में एज अ गॉडेस यानी कि एक मधुर देवी, एज अ निम्फ यानी कि एक सुंदर सी अप्सरा और एज अ मेड यानी कि एक कुवारी शांत कन्या के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इवनिंग को कॉलिंस ने पर्सोनिफाई किया है पोयम में एज अ चेस्ट मेड यानी कि एक शालीन पवित्र लड़की, एज रिजर्व्ड यानी कि शांत संकोची संयमी, और एज मीक यानी कि जो कोमल हो, सॉफ्ट हो, विनम्र हो। तो इवनिंग को एक ऐसी लड़की के रूप में प्रेजेंट किया है जिसमें ये सारी क्वालिटीज है। अब ये जो सारी क्वालिटीज है ये ब्राइट सन की कैरेक्टरिस्टिक से बिल्कुल विपरीत है। दोस्तों, यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि इवनिंग को एज अ फीमेल फिगर और ब्राइट सन को एज अ मेल फिगर प्रेजेंट किया गया है इस पोयम में। इस पोयम के तीन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द ओपनिंग सैल्यूटेशन टू इवनिंग, जिसमें पोएट इवनिंग को प्रणाम करता है, उसका अभिवादन करता है। एंड द सेकेंड पार्ट इज द सेंटर, जहां पोएट इवनिंग को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे गाइड करे कि वो कैसे अपने जीवन में शांति पाए। और लास्ट पार्ट में पोएट अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है और नेचर और सीजंस यानी कि प्रकृति और मौसमों के यूनिवर्सल डायमेंशन की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पोयम को लाइन बाय लाइन भी एनालाइज करेंगे और साथ ही स्टैंजास का होल सेंस भी समझेंगे। तो चलिए करते हैं अपनी पोयम का श्री गणेश। पहले तो ओड का मतलब होता है कविता या फिर गीत, और ओड टू इवनिंग का मतलब है इवनिंग को डेडिकेट की गई पोयम। दोस्तों, जब ये पोयम शुरू होती है तो स्पीकर हम्बली रिक्वेस्ट करता है टू द स्पिरिट ऑफ इवनिंग कि वो उसे गाने की कला प्रदान करे, उसे इस सुंदर कला का आशीर्वाद दे ताकि वह मधुर संगीत गाकर संध्या की देवी को खुश कर पाए, उस देवी का मन बहला सके। तो शुरू करते हैं अपनी पोयम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। इफ ऑट ऑफ ओटन स्टॉप और पेस्टोरल सॉन्ग मी होप चेस्ट ईव टू सूद thy मॉडेस्ट ईयर लाइक thy ओन सोलम स्प्रिंग्स thy स्प्रिंग्स एंड डाइंग गेल्स। दोस्तों, यहां पर AUGHT ऑट का मतलब है कोई अंश या फिर एनीथिंग, और ओटन स्टॉप का मतलब है कोई म्यूजिकल फ्लूट या फिर पाइप, जो कि ओट्स जो एक तरह का अनाज होता है, इसको हिंदी में जई बोलते हैं। तो जई के भूसे से बना हुआ ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और पेस्टोरल सॉन्ग का मतलब है गांव का या देहात का कोई सॉन्ग। चेस्ट ईव का मतलब है पवित्र इवनिंग, और सोलम का मतलब होता है अगेन पवित्र। स्प्रिंग का मतलब है यहां पर अ नेचुरल फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, और डाइंग गेल्स का मतलब है हल्की हल्की बहती हुई हवाएं। तो पोएट यहां कहना चाहता है कि ओटन स्टॉप पर बजाए हुए किसी संगीत के माध्यम से या एक मधुर पेस्टोरल सॉन्ग को गाकर पोएट ये उम्मीद करता है कि वो चेस्ट इवनिंग यानी पवित्र शांत संध्या के कानों को सुकून दे पाएगा, बेसिकली इवनिंग को प्लीज कर पाएगा। यहां पर कॉलिंस इवनिंग को एज चेस्ट ईव पर्सोनिफाई करते हैं, जो कि एक बिब्लिकल अल्यूजन है टू ईव इन द गार्डन ऑफ एडन। यहां पोएट इवनिंग को प्रकृति के एक इंचैंटिंग यानी मोह लेने वाले अंश की तरह प्रेजेंट करता है, जो कभी कभी पेंसिव मूड में यानी कि एक गहरी सोच में डूबी हुई सी लगती है।
और हमें बताया जाता है दैट द इवनिंग इज वेरी फॉन्ड ऑफ द स्पीकर्स सॉन्ग. स्पीकर चाहता है कि उसका सॉन्ग भी उतना ही सॉफ्ट हो, उतना ही सूदिंग हो, जितना कि शाम के समय सोलम स्प्रिंग्स यानी कि किसी पवित्र जलधारा या किसी छोटी नदी में पानी के बहाव की सरसराहट से जो संगीत पैदा होता है, या शाम के समय शांत घाटियों में जो मीठी मीठी हवा बहती है उसका एक हल्का हल्का शोर होता है. डाइंग गेल्स का मतलब है हल्की हल्की दिल को सुकून दे जाने वाली हवाएं. तो बेसिकली स्पीकर चाहता है कि उसका सॉन्ग भी इन्हीं हवाओं और पानी के संगीत की तरह मधुर हो. अगली लाइनें हैं, ओ निम्फ रिजर्व्ड व्हाइल नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन सिट्स इन योन वेस्टर्न टेंट हूज क्लाउडी स्कर्ट्स विद ब्रीड एथरियल वोव ओवरहैंग हिज वेवी बेड. दोस्तों यहाँ पर पोएट इवनिंग को एड्रेस करता है एज अ रिजर्व्ड यानी कि संयमी संकोची निम्फ यानी कि अप्सरा. तो पोएट ये कहते हैं कि इवनिंग एक शांत संयमी संकोची अप्सरा की तरह है और पोएट उसको कंट्रास्ट करता है टू द ब्राइट हेयर्ड सन यानी कि चमकते हुए सूरज से जो कि यहाँ पर एक मेल फिगर है. और अब शाम के समय सूरज अपने वेस्टर्न टेंट की तरफ बढ़ रहा है यानी कि पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है ताकि रात हो सके. तो इवनिंग को यहाँ पर लाइट और डार्कनेस के बीच, डे एंड नाइट के बीच एक ट्रांजिशन की तरह यानी कि परिवर्तन काल की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है. अगली लाइनें हैं, नाउ एयर इज हश्ड सेव वेयर द वीक आईड बैट विथ शॉर्ट श्रिल श्रीक फ्लिट्स बाय ऑन लेदर विंग और वेयर द बीटल वाइंड्स हिज स्मॉल बट सलिन हॉर्न एज ऑफ्ट ही राइजेस मिड्स द ट्वाइलाइट पाथ अगेंस्ट द पिलग्रिम बॉर्न इन हीडलेस हम. दोस्तों यहाँ पर बैट का मतलब है चमगादड़ और एयर इज हश्ड का मतलब है कि हवा शांत हो गई है. वाइंड का मतलब होता है घूमना. ट्वाइलाइट का मतलब होता है सूर्यास्त का समय. और ये लास्ट लाइनों में हीडलेस हम का मतलब है कि बेपरवाही से गुंजन करना, जो कि बीटल गुंजन की आवाज करता है वो गुंजन करना. तो स्पीकर कहता है कि अब हवा शांत हो गई है और उसे सिर्फ या तो बैट यानी कि चमगादड़ के रोने की आवाज सुनाई दे रही है या फिर बीटल यानी कि झिंगूर या भंवरों की गुंजन की आवाज आ रही है. इनके अलावा शाम के समय पूरा माहौल शांत रहता है और ऐसा फील होता है कि रात के आने पर शाम शांत और लाइफलेस यानी कि निर्जन सी हो जाती है. और यही है हमारी पोयम का पार्ट वन. बढ़ते हैं पार्ट टू की तरफ. तो पोएट कहता है, नाउ टीच मी मेड कंपोज्ड टू ब्रीद सम सॉफ्टेन स्ट्रेन whose numbers stealing through thy darkening veil may not unseemly with its stillness suit. यहाँ पर मेड कंपोज का मतलब है एक शांत कन्या. वेल का मतलब होता है घाटी. नंबर्स का मतलब है वो गाने या फिर वो कविता जो पोएट गाएगा. अनसीमली का मतलब है इनडिसेंट या फिर अयोग्य. और स्टिलनेस का मतलब है शांति. तो दोस्तों सेकेंड पार्ट शुरू होता है विद अ रिक्वेस्ट टू इवनिंग, जिसको स्पीकर यहाँ एज अ मेड कंपोज्ड एड्रेस करता है यानी कि एक शांत कन्या जो कि इतनी शांत है, इतनी सौम्य है कि स्पीकर उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहता है, उसी की तरह काम करना चाहता है. स्पीकर इवनिंग से कहता है कि मुझे ऐसी पोयम या सॉन्ग की रचना करना सिखाओ या फिर रचना करने के लिए प्रेरित करो जो उतना ही सुकून देने वाला हो जितना सूदिंग एटमॉस्फेयर इवनिंग खुद क्रिएट करती है. और स्पीकर ये चाहता है कि उसके द्वारा गाई हुई कविता या फिर वो गाना उन घाटियों में जब गूंजे तो वो इवनिंग द्वारा क्रिएट किए गए उस मनमोहक एटमॉस्फेयर के साथ में तालमेल में हो, यानी कि उसके साथ में वो अनसूटेबल सी ना लगे, उसको सूट करे. आगे पोएट कहते हैं,
As musing slow, I hail thy genial loved return. Musing का मतलब होता है दोस्तों चिंतन करना या ध्यान करना, और hail का मतलब होता है पुकारना या अभिवादन करना. Genial का मतलब होता है दयालु और मिलनसार. तो speaker यहाँ evening से प्रार्थना करता है for her genial loved return, यानी कि संध्या की वापसी के लिए वो उससे request करता है. अगली लाइनें हैं, for when thy folding star arising shows his pale circlet at his warning lamp the fragrant arts and elves. तो पोएट कहता है यहां पर कि रात हो जाने पर शाम एकदम शांत सी हो जाती है और जल्दी ही आसमान में स्टार्स उगने लगते हैं और वो हमें इन्फॉर्म करते हैं दैट द डे इज कमिंग टू एन एंड, कि दिन खत्म होने वाला है. अगली लाइन है द फ्रेग्रेंट आर्ट्स एंड एल्व्स हु स्लेप्ट इन फ्लावर्स द डे एंड मेनी अ निम्फ हु रीड्स हर ब्राउज विद सेज and sheds the freshening dew and lovelier still the pensive pleasures sweet prepare thy shadowy car. दोस्तों यहाँ पर elves का मतलब है परियां, और sage यहाँ पर एक तरह का plant होता है, उसी के रूप में इसको use किया गया है. reed का मतलब होता है बुनना या फिर घेरना, और यहाँ पर जो last में word है the shadowy car, ये evening का रथ है. अब चलिए आपको इसका मीनिंग समझाते हैं. तो पोएट कहते हैं कि शाम के समय सुंदर मनमोहक अप्सराएं जो दिन के समय में फूलों में सोई हुई रहती हैं, अब वो फूलों की कलियों के बीच से बाहर आती हैं और नाचने गाने लगती हैं. इसके साथ साथ वो अपने आसपास एक मनमोहक सी फ्रेग्रेंस यानी खुशबू बिखेर देती हैं, जिससे इवनिंग का वो एटमोसफेयर, वो इन्वायरमेंट और भी पीसफुल और भी सूदिंग हो जाता है. तो फ्रेंड्स, ये सब जो चीजें हैं, दी स्टार्स, दीज एल्व्स यानी कि परियां, निम्फ्स यानी कि अप्सराएं, दे एक्ट एज सर्वेंट्स हु प्रिपेयर दाय शैडोवी कार, यानी कि ये संध्या के रथ को प्रिपेयर करते हैं उसके एंट्रेंस यानी कि इवनिंग के आगमन के लिए. दोस्तों, यही था आज का वीडियो. इस पोयम का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी. तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर दो यार, कमेंट करके भी जरूर जरूर बताओ कैसा लगा आपको ये एनालिसिस. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले. फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के साथ में. तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, बहुत सारी पढ़ाई करो गाइस. हैव अ गुड डे, बाय बाय.